आज का हमारा पहला वर्ड है आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब बहस करना। राहुल ऑलवेज आर्ग्यूज हिज पेरेंट्स। राहुल हमेशा अपने माता पिता से बहस करता है। नेक्स्ट वर्ड है सेवरल। सेवरल मतलब कई। देर आर सेवरल पीपल इन द हाउस। घर में कई लोग हैं। सेवरल मतलब कई। देर आर सेवरल पीपल इन द हाउस। घर में कई लोग हैं। अबाउट। अबाउट मतलब होता है बारे में। टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपके बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में कुछ बताइए। अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग के अनुसार। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ वाइज मैन। मेरे अनुसार वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मेरे अनुसार वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। एबव। एबव मतलब ऊपर। समथिंग इज एबव योर हेड। समथिंग इज एबव योर हेड। आपके सिर के ऊपर कुछ है। ओवरलुक। ओवरलुक अनदेखा करना। ओवरलुक अनदेखा करना। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट ओवरलुक योर मिस्टेक। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट ओवरलुक योर मिस्टेक। अगली बार से मैं आपकी गलती को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। मोरेटोरियम। मोरेटोरियम रोक या पाबंदी। मोरेटोरियम मतलब रोक या पाबंदी। मोरेटोरियम इज इम्पोज्ड ऑन लिक्वर। मोरेटोरियम इज इम्पोज्ड ऑन लिक्वर। शराब पर रोक लगा दी गई है। मोरेटोरियम मतलब रोक या पाबंदी। प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट मतलब टालना। किसी चीज़ को जैसे आज करना हो और मैं टालता जा रहा हूँ कि नहीं कल कर लूँगा, नहीं परसों कर लूँगा, तो उसका मतलब होता है प्रोक्रास्टिनेट। वाई डू यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट। आप हमेशा विलंब क्यों करते हैं। विलंब मतलब टालते क्यों हैं। किसी चीज़ को टालना। नेक्स्ट है वाई एनी मीन्स। वाई एनी मीन्स मतलब किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से। अच्छे इज नॉट पुअर बाई एनी मीन्स। अच्छे इज नॉट पुअर बाई एनी मीन्स। अच्छे किसी भी तरीके से गरीब नहीं है। किसी भी तरह से गरीब नहीं है। हैंकर अप। हैंकर मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करने की चाह, मतलब किसी भी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा मन होना। आई एम हैंकरिंग अप टू मीट यू। आई एम हैंकरिंग अप टू मीट यू। मैं तुमसे मिलने के लिए मतलब व्याकुल हो रहा हूँ, तरस रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा मन है आपसे मिलने का। डिक्री। डिक्री मतलब होता है निंदा करना। डिक्री मतलब निंदा करना। बी स्ट्रांगली डिक्री ह्यूमन राइट एब्यूजिस। डिक्री मतलब निंदा करना। हम अपने मानवाधिकारों के हनन की कड़ी निंदा करते हैं। बी हीस्ट। बी हीस्ट का मतलब होता है आज्ञा। बी हैव असेंबल्ड एट हिज बी हीस्ट। ठीक है, हम उनके कहने पर इकट्ठे हुए हैं, उनके कहने पर या उनके आज्ञा से, ठीक है, उनके निवेदन से। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम करते हैं यूज बी हीस्ट का। नेक्स्ट है वैंक्विट। वैंक्विट का मतलब होता है भोज या दावत। बी आर नॉट इन्वाइटेड एट देयर बैंक्वेट। बी आर नॉट इन्वाइटेड एट देयर बैंक्वेट। हम उनके भोज पर आमंत्रित नहीं किया गया। हमें उनके भोज पर आमंत्रित नहीं किया गया। भोज या दावत बैंक्वेट। नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर। द हाउस इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉलेप्स। कॉलेप्स मतलब होता है टूटना या खत्म होना। मकान गिरने की कगार पर है। ऑन द वर्ज ऑफ के कगार पर। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। मैथ्स इज नॉट अ ल्यूसिड सब्जेक्ट। ल्यूसिड मतलब स्पष्ट भी होता है, इजी भी होता है। ठीक है, तो गणित कोई स्पष्ट विषय नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है नॉकडाउन। नॉकडाउन मतलब मार गिराना। नॉकडाउन मतलब मार गिराना। इंडियन आर्मी हैज नॉक डाउन द एनिमी। इंडियन आर्मी हैज नॉक डाउन द एनिमी। भारतीय सेना ने दुश्मन को मार गिराया है। क्रूसीफाई। क्रूसीफाई मतलब सूली पे चढ़ाना। क्रूसीफाई मतलब सूली पे चढ़ाना। टू टेररिस्ट वर क्रूसीफाइड लास्ट ईयर। पिछले साल दो आतंकवादियों को सूली पर चढ़ाया गया था। डिफिमेशन। डिफिमेशन मतलब मानहानि। डिफिमेशन मतलब मानहानि। जॉनी डेप हैज वन द डिफिमेशन ट्रायल।
जॉनी डेप मानहानि का मुकदमा जीत चुके हैं। फिजिबल, फिजिबल मतलब होता है संभव। इज दिस टास्क फिजिबल, मतलब क्या क्या यह कार्य संभव है। ऑफ लेट, ऑफ लेट मतलब हाल ही में, रिसेंटली। ही हैज बीन ड्रिंकिंग ऑफ लेट, मतलब वो हाल में, हाल ही में, उसने हाल ही में पीना शुरू किया या काफी देर से पी रहा है। ठीक है, तो आज हमने ये 20 वर्ड डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो अब हमारा नेक्स्ट 20 वर्ड्स पे होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।